ये टैंडरी बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंच एकता मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंच एकता मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, सरपंच एकता मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री। इंद्री सरपंच एसोसिएशन ने आज खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। सरपंच एसोसिएशन के साथ काफी संख्या में गांव के सरपंच व पंच मौजूद रहे। उन्होंने बस स्टैंड से लेकर खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस तैनात थी। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि वे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उनको आगे जाने दिया गया। सरपंच व पंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उसके बाद धरने पर बैठ गए। यह धरना प्रदर्शन सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टेंडरिंग योजना लागू करके सरपंचों के विकास कार्यों में बाधा बनी हुई है, क्योंकि सरपंच मात्र 2 लाख ही खर्च करके विकास कार्य कर सकते हैं। यदि ऊपर का कार्य होगा तो वे उसके टेंडर निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा किया गया काम सही ढंग से नहीं हो सकता, क्योंकि ठेकेदार अपना काम करके वहां से चला जाएगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सारी सरपंच के ऊपर रहेगी। कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो उसका जिम्मेवार सरपंच होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस नियम को बदले। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए तक का काम करने की अनुमति सरपंच को दी जाए। इस बारे में वे विधायक से भी मिले थे और मुख्यमंत्री से भी इस मामले में भेंट की गई थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में इसका विरोध किया जा रहा है। और आज पूरे हरियाणा के हर ब्लॉक स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, और जब तक सरकार इस नियम को वापस नहीं लेती तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारियों को भी इनका समर्थन देना चाहिए। यदि वे लोग उन्हें समर्थन नहीं देते तो ऑफिस का तालाबंदी भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन ने भी उनको समर्थन दिया है, जिसके वे आभारी हैं। सरपंच सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है, लेकिन सरकार नहीं चाहते कि सरपंच इस तरह से विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सके। सरपंचों के बिना सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरपंचों ने सरकार को चेताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उस समय तक कोई विधायक गांव में किसी प्रकार का कार्यक्रम ना रखे, अन्यथा उसका विरोध किया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारी जगदीश का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध किए गए हैं। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सरपंच एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यदि किसी ने इस तरह का कार्य किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच और इंद्री ब्लॉक से सरपंच एसोसिएशन का प्रधान हूं, तो आज जो हमारी मांगे हैं वो जो हमारी सरपंचों की पावर 20 लाख रुपए थी उसके घटा के 2 लाख रुपए कर दिया है, और तो अब हमारी जो मांग है उसको 2 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया जाए, और जो 30 लाख से ऊपर का टेंडर हो वो पंचायत के थ्रू टेंडर हो, और पंचायत कोई पावर मिले भी उसकी पेमेंट भी पंचायत ही करे और टेंडर भी पंचायत ही कराए। क्यों? ठेकेदार तो अपना कार्य करके चला जाता है गांव से, जितना भी जो कहा जाएगा तो सरपंच को कहा जाएगा, गलत मटेरियल लगेगा अच्छा लगेगा तो सरपंच को ही कहा जाएगा। कोई भी टेंडर होता है तो 20 लाख रुपए को बढ़ के तो कभी छूटेगा नहीं, तो कम में छूटेगा 18 लाख में 19 लाख में, तो वो पैसा तो ठेकेदार उसको एडजस्टमेंट वहीं से करेगा, मटेरियल कम लाएगा ज़्यादा करेगा तो कार्य तो अच्छी प्रकार से होगा। वही सरपंच उस कार्य को अपने ढंग से बहुत ही कम उसमें करेगा और अच्छे प्रकार से करेगा, गलत कार्य करेगा अच्छा करेगा, और सरपंच गांव वाले उसको अपने आप पूछ लेंगे, वो गांव में ही रहेगा तो गांव से बाहर नहीं जाएगा। क्यों? ठेकेदार तो अपना कार्य करके बाहर चले जाएगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। सब कार्य सरपंच को पूछा जाएगा, क्यों? उसके कार्यकाल में सारे काम हुए हैं, तो सरपंच ही उनका देगा जो भी गलत काम हुआ है या अच्छा काम हुआ है, तो सरपंच से पूछा जाएगा गांव वालों को। क्यों पूछा जाएगा? गांव ने एक सरपंच को बड़ी अच्छे प्रकार से वोट देकर चुन के भेजा एक अच्छे कार्य करने के लिए, तो उसको पावर ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा सरपंच? कुछ नहीं करेगा। 2 लाख में तो एक नाली नहीं बना सकता, उसमें 50,000 तो GST कट जाती है, 40,000 रुपये तो उसमें 1.5 लाख रुपये में क्या करेगा सरपंच? एक बाथरूम नहीं बना सकता, एक लैट्रिन नहीं बना सकता, किसी गली का निर्माण नहीं कर सकता, तो क्या करेगा 2 लाख में? तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा तो ऐसी है, पिछले जो बीच में 2 साल टाइम मिल गया ना, वो जो पैसा पंचायतों का था वो बड़ी अच्छे तरीके से सरकार के पास पहुंच गया, तो सरकार ये जो बीच का माध्यम जो सरपंच बनाए हैं वो माध्यम खत्म करना चाहती है। अभी ये पैसा वैसे ही चलता रहे जैसे पिछले 2 साल से चलता है। जो है ना ये कहना है
तुम देना साथ हमारा, चलना हमें आता है, तूफानों के संग अंधेरों से लड़ना हमें आता है। एक दिन निकलेगा सुंदर प्रभात यहाँ, मिटेगी काली रात यहाँ, और आप हमारा साथ देना इन्हीं ईमानदार सरपंचों के माध्यम से, इन्हीं पंचायतों में एक दिन बनेगा राम राज यहाँ, राम राज यहाँ, राम राज यहाँ। सरपंच एकता, सरकार तो न्यू चावा भी 100% बेईमान होना चाहिए। वो कहते करा नहीं, एक कहावत है अभी 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, लेकिन इनके एक कमी खटक रही, ये न्यू कह रहे जो वो 1% है वो भी इसमें जुड़ने चाहिए, 100 में से 100 बेईमान होने चाहिए। मैं न्यू कह रहा अभी जो ये सरपंच भी बेईमान है नहीं, फिर तो मोदी का छपनी चाड़ा भी बंद करो, उसका भी जाकट पराओ, वो भी ईमानदार। ई टेंडरिंग में तो गोरख धंधा काला धंधा है, ई टेंडरिंग में तो सरपंच ना तो न्यू भी 2 मजदूर और 2 मिस्त्री लेगा तो काम कर दे यू, और ई टेंडरिंग में कहा भी तो 6 मिस्त्री लगा इसमें और 25 मजदूर लगा, उसका रिकॉर्ड आपके सामने पेश करवा लो इन पे भी, उसमें क्या रख रखी हिदायत अपने और सरपंच पे क्या रख रखी, उसमें भेदभाव है, बिल्कुल पूर्ण रूप से भेदभाव है, थोड़ा भेदभाव नहीं है, ओपनली खुला बिल्कुल खुले आसमान की तरह भेदभाव है, भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, यदि कोई मेरे को बेईमान कहेगा मैं उसने ईमानदार कैसे कह दूंगा भाई जी, किसी ने भी बहुत जो है ना बड़ा सोच समझ के कहनी चाहिए किसी के प्रति, सरपंच के इज्जतदार आदमी नहीं होंगे, और मेरा ख्याल से ये सबसे छोटी इकाई है राजनीति की, और सबसे ज्यादा पीड़ित है और सबसे ज्यादा खर्चीली है, अपने खर्चे भी कराए, आने जाने वाले के भाई बंधुओं के खर्चे भी करा, गांव में किसी प्रकार की समस्या हो उन्हें 4 आदमियों लेकर जाओ उनके भी खर्चे करा, और फिर इनके 5 साल इन मंत्री मिनिस्टरों के भी घोड़े गाड़ियाँ भी नहीं करने मारे बिना देने बाबू टट्टू नहीं, ये तो बैंक बनार गोजे बनार बाजा, और हम इनकी 1 नंबर की भी करोड़ों में कमाई है, और हमारा तो कहीं खाना ही नहीं, बिल्कुल ही 0।